और सीधे चलेंगे डुमरी जहां वो वैसी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कौम और मिल्लत के तमाम बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, झारखंड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब मोहम्मद शाकिर साहब, जनाब मौलाना मुबीन रजवी साहब, जो इस बाई इलेक्शन के डुमरी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है, मंच पर बैठी हुई हमारी इज्जतदार माँ और बहन जो हजारीबाग बाहरी गांव से आए हैं, अशवाका साहब की माँ और बहन भी आज हमारे साथ इस मंच पर बैठी हुई है। वो अशफाक खान जिसको पुलिस कस्टडी में कत्ल कर दिया गया है, फैसल इमाम साहब, समीर अली साहब, इंतखाब आलम साहब, मंसूर आलम साहब, फैस अंसारी साहब, मोहम्मद कोहल साहब जो कौमी सदर हैं कोहल की तंजीम के, असदुल हक साहब उफ बबलू मुखिया साहब, हाजी तनवीर साहब, एमएन खान साहब, कामरान खान साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जनसभा में आपने शिरकत की। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहां पर आए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है और मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूंगा कि 2019 में भी मैं यहां पर आया था इसी ग्राउंड पर, और उस वक्त भी आपसे आपके दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ बोलने का मौका अल्लाह सुभाना व तआला ने दिया था। आपने मजलिस के उम्मीदवार को उस वक्त भी अपने दुआओं से और वोट से नवाजा था, और उस वक्त हमारे उम्मीदवार मौलाना मुबीन रजवी साहब थे जो आज भी हैं। आपने 2019 में जो हमको वोट दिया, आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि 5 सितंबर को जो दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है, आप तमाम लोग जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान पतंग छाप है, पतंग छाप पर बटन दबाकर आप अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए, अपने सियासी शऊर को कामयाब करिए और इस विधानसभा के विकास के लिए, इस विधानसभा में गरीबों और मजलूमों की विकास के लिए, झारखंड की कमजोर और मजलूम आवाम की इंसाफ के लिए एक आवाज को आप झारखंड के विधानसभा में भिजाइए। आज मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि जब तक आप अपने वोट से मुत्तहिद होकर इत्तेहाद पैदा करके आप अपने वोट से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब नहीं करेंगे, याद रखिए मेरी इस बात को कि आपसे कभी इंसाफ नहीं होगा। आपके गांव में, आपके विधानसभा में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि हम सिर्फ वोट डालने वाले बन गए हैं और हमारे वोट डालने से हमसे इंसाफ होगा, हमारे वोट डालने से जिस तरह हजारीबाग में अशफाक खान को मार दिया गया उसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से आज आए दिन झारखंड में मॉब लिंचिंग के जरिए से लोगों को मार दिया जाता है, वो रुक जाएगा, वो नहीं रुकेगा। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों,
मेरे बुजुर्गों, मेरी इस बात का आप यकीन कर लो, ये उसी वक्त रुकेगा जब आपके लिए लड़ने वाला कोई एक एमएलए होगा जो झारखंड में जहां कहीं भी किसी गरीब आदिवासी मुसलमान या दलित पर जुल्म होगा वो दौड़ता हुआ उस पीड़ित परिवार के दरमियान में पहुंचेगा, उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझेगा, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, याद रखिए ये जुल्म जारी और सारी रहेगा। मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी हम सुन रहे थे कि यहां पर मुख्यमंत्री आए थे हेमंत सोरेन साहब, और उन्होंने आकर यह कह दिया कि झारखंड में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं, शायद वो इतना काम कर रहे हैं कि आजकल बहुत सी चीजों को भूल जाते हैं, या फिर उनकी उम्र भी बढ़ रही है, नहीं मालूम। मैं मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे मंच पर अशफाक खान की मां और बहन बैठी हुई है। मुख्यमंत्री के आपको अशफाक खान की मौत मालूम नहीं हुई कि आज अशफाक खान की मां को और उसकी बहन को हमारे मंच पर आना पड़ा आपको आईना दिखाने के लिए कि अशफाक खान की मौत तुम्हारी हुकूमत में, तुम्हारी पुलिस स्टेशन में उसकी हत्या कर दी गई थी। हम यहां के मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहेंगे जिन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग नहीं हुई, तो फिर सिकनी गांव में, रामगढ़ में शमशाद अंसारी को किसने मारा? क्या कोई आसमान से उतर कर आए और मार कर उड़ कर चले गए? शमशाद अंसारी को मारने वाले इसी जमीन पर रहने वाले जालिम लोगों ने शमशाद अंसारी को इसलिए मार दिया क्योंकि उनको मालूम है कि हेमंत सोरेन कुछ नहीं करेगा, वो उनका आदमी है, इसलिए शमशाद अंसारी को मार दिया गया। और जब पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, शमशाद अंसारी के पीड़ित परिवार के लोग आज हमसे मुलाकात करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में कांग्रेस के गुलामों ने उनको रोक लिया और कहा कि मत जाओ ओवैसी के पास, हम तुम्हारा कुछ कर देंगे। अरे ओवैसी से मिलने से तुम रोक तो सकते हो मगर तुम मेरी आवाज को उनके दिलों तक पहुंचाने में रोक नहीं पाओगे। तुमने शमशाद अंसारी को खामोश कर दिया मगर शमशाद अंसारी के रूप में हर बच्चा झारखंड से खड़ा होगा और हेमंत सोरेन से कहेगा कि मेरा नाम शमशाद अंसारी है, बताओ मुझसे इंसाफ कब किया जाएगा। आज अगर ये सरकार सत्ता में है और इस सरकार का मुख्यमंत्री ये कहता है कि कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, तो फिर वाजिद अंसारी को एक इलेक्ट्रिक के पोल से बांधकर पीटा गया था चोरी के झूठे इल्जाम में। इसी साल अप्रैल 2023 में महू टोली में वाजिद अंसारी को मार दिया गया। गरवाहा जिले में अप्रैल 2023 में वसीम सज्जाद पुलिस कस्टडी में मर जाता है हेमंत सोरेन साहब। क्या आप सो रहे हैं? तो जागो और देखो कि तुम्हारे गरवा डिस्ट्रिक्ट में वसीम सज्जाद को कत्ल कर दिया गया। जमशेदपुर में 6 दुकानों को जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की थी उनको जला दिया गया। सरकार सेकुलर पार्टी की है, सरकार में कांग्रेस है, सरकार में राजद है और आपके राज में दुकानें जलती हैं, शमशाद अंसारी का कत्ल हो जाता है मगर आप हमको गाली देते हैं। सत्ता में आप हैं, इल्जाम मौला मुबीन रजवी पर लगा दिया जाता है, इल्जाम मेरे सदर शाकिर पर लगा दिया जाता है कि ये भी टीम है। अरे बताओ जब तुम सत्ता में हो तो तुमने इन दुकानों को जलने से क्यों नहीं बचाया?
साहिल और मुदस्सिर को पुलिस की गोलियों ने खत्म कर दिया। यकीनन ये हमारे लिए शहीद है, मगर साहिल और मुदस्सिर से मिलने कौन गया था? मैं गया था साहिल और मुदस्सिर से मिलने के लिए। हम इसलिए नहीं गए थे कि हमको कोई सियासत करना था, हम इसलिए गए क्योंकि हमने उन बच्चों की तकलीफ को अपने दिलो दिमाग और अपने सीने में महसूस किया। इंसानियत अभी भी हम में जिंदा है। हम वहां पर गए थे, मगर बताओ जो आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको गाली दे रहे हैं। अरे 16 साल का शहबाज खान जो ट्यूशन लेकर अपने घर को वापस आ रहा था तो किसने घर वहां में उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया गया और झाड़ियों में उसकी लाश को फेंक दिया गया। बताइए हेमंत सोरेन साहब, बताओ कांग्रेस के लोगों, तुम सत्ता में हो, मैं सत्ता में नहीं हूं, किसने मारा 16 साल के शहबाज खान को? और फिर क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक जिनका नाम जर्मुंडी देवेंद्र कुंवर है, तौसीफ नामी बच्चे को उठक बैठक कराया, उसको थूका उसके मुंह पर, क्या किया तुमने बताओ? आज तुम हमको गाली देते हो कि सदुद्दीन अवैसी आएगा और भड़काऊ भाषण देगा। मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, अशफाक खान के बारे में हमने बता दिया आपको। यही गिरीज में मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ को किसने पीट पीट कर मार दिया कि ये वो तस्करी का काम कर रहे थे? क्या हेमंत सोरेन को मोहम्मद कैफी और मोहम्मद आसिफ के बारे में भी नहीं मालूम जिनको मार मार कर उनका कत्ल कर दिया गया? 8 मार्च 2021 को सचिन नामी एक 22 साल बच्चे को चोरी के इल्जाम में पकड़कर कत्ल कर दिया गया। अंगारा रांची में 27 साल मुबारक खान को पीट पीट कर उसकी जान ले ली गई, उसी तरह लाइट के पोल से बांधकर। और हेमंत सोरेन को शायद नहीं मालूम कि मुबारक खान भी मर मार दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों, जमशेदपुर में नौशाद को पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है, 10 अगस्त को नौशाद को उठाया जाता है। मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, आप जानते हैं कि जब तबरेज अंसारी को मारा गया था, मैंने खुद तबरेज अंसारी की बेवा से मुलाकात की थी, क्या उस वक्त कौन सा मामला था? हमको तकलीफ हुई कि एक नौजवान बच्ची बेवा हो गई है। मुदस्सिर और साहिल की क्या मामला था? हम घम के घर को गए थे। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, या आपने यहाँ पर झारखंड में 4 अल्पसंख्यक मुसलमान समाज के एमएलए को आपने कामयाब किया, इतने वाकयात होते हैं। अरे जमतारा से यहाँ पर आपने एक मुस्लिम विधायक को कामयाब किया, और अभी हमको बताया गया कि हफीजुल हसन साहब भी फिर रहे हैं, 4-4 आपके एमएलए हैं। आपने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आपने इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाते? आप में गीरत क्यों नहीं जागी कि आपको अगर कामयाब किया तो क्यों कामयाब किया? क्या तुमको कामयाब इसलिए तो नहीं किया कि तुम हेमंत सोरेन के सामने अपने सर को झुकाकर गुलामी करो? तुमको कामयाब इसलिए किया कि तुम गरीब और मजलूमों पर जब जुल्म होगा तो तुम उनकी आवाज बनोगे? तुम सरकार में बैठकर तुम अगर मंत्री बन गए हो तो तुम समझ रहे हो कि तुमको बहुत बड़ा मुकाम मिल गया? अरे जब अल्लाह ने तुमको मुकाम दिया तो तुम उस मुकाम को इस्तेमाल करो गरीबों के इंसाफ के लिए। मगर इतने लोगों को मार दिया गया और यहां पर हेमंत सोरेन की सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक यहां पर एक विधायक साहब हैं, उन्होंने एक ये भी कह दिया था कि अगर मुझे कोई इबादतगाह बनाना पड़े तो मैं अपना गुर्दा बेच दूंगा। कहा था ना, मैं अपना गुर्दा बेच दूंगा। अरे इतने लोग मारे गए, तुम तुम्हारा गुर्दा छोड़ो, तुम्हारी जबान नहीं खुल रही है, तुम गुर्दा कहां तक जाओगे?
उस विधायक ने कहा था कि मैं अपना गुर्जा बेचकर इबादतगाह को बना दूंगा। अरे तुम क्या बनाओगे हमको नहीं मालूम, मगर तुम झारखंड की जनता को तो बेवकूफ बना रहे हो, उनका मजाक कर रहे हो और वो मौत की आगोश में चले जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देखते हैं कि बोकारो में, चक्रधारपुर में क्या क्या तकारीर नहीं की गई थी, क्या क्या भाषण नहीं दिया गया था। अगर हम उस पर बोलना शुरू करेंगे तो फिर एक नया तनाजा यहां पर पैदा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि जिस प्रदेश से मैं आता हूं तेलंगाना है, वहां पर 50 लाख से कम मुसलमान है, झारखंड में 60 लाख के करीब मुसलमान है, और हम जिस प्रदेश से आते हैं वहां पर अल्पसंख्यक समाज का एक मंत्रालय है। और इस साल का बजट क्या है आपको मालूम, 2,200 करोड़ रुपये। और झारखंड में अल्पसंख्यक समाज का विजारती अखिलती बहबूद का बजट सिर्फ 500 करोड़ रुपये है, सिर्फ 500 करोड़ रुपये। और हम जब यहां पर आ रहे तो हमको गाली दे रहे, अरे भैया गाली दो हमको, तुम्हारी गालियों से मैं रुकने वाला नहीं हूं। यहां तेलंगाना में हमारे 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है, सुनिए कोई मंत्री नहीं है, मगर हम 50 लाख से कम है, 2,200 करोड़ रुपये सालाना मिलता है। आप 60 लाख हैं, 4 MLA हैं, 2 मंत्री हैं, मगर आपका बजट 500 करोड़ रुपये है। यही बात जब हम करते हैं तो इन तमाम को पेट में दर्द होता है, और इसीलिए हमको बदनाम किया जाता है कि असदुद्दीन अवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे अगर गरीबों के जुल्म का बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। अगर शमशाद अंसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम शमशाद अंसारी हैं। अगर हमारी बहन और हमारी मां बैठी भी है, उनके बेटे और औलाद के लिए इंसाफ की बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फकर है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। मगर आप बताओ आपने क्या किया यहां पर। चुनाव जब आता है तो ओवैसी का डर दिखाते हैं कि अगर ओवैसी को वोट देंगे, मंजलिस को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, और आप मासूम लोग सिर्फ वोट डालते हराने के लिए। अरे कभी अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो, कभी जब तुम अपने घर में जाकर बैठते हो तो अपने दिल से पूछो कि मैं क्या सिर्फ इनको वोट डालने के लिए पैदा हुआ हूं। क्या तुम सिर्फ वोट डालने के लिए पैदा हुए, तुम वोट नहीं ले सकते। आप 50 साल से वोट दे रहे हैं, आपके दादा ने वोट दिया, आपके दादा ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपने बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया, आपके बाप ने अपने बचपन को खोया, सिसक सिसक कर तुम्हारा बाप मर गया, तुमने उनको वोट दिया, अब तुम हो। और तुमसे भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप और दादा ने वोट दिया तुम उसी तरह चलो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था, वो हालत मजबूरी में लोगों का साथ देते थे। आज तुम्हारे दरमियान में एक दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना वोट 5 सितंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, केंद्र की सरकार बीजेपी की है, आपको जानकर तकलीफ होगी कि 2020 और 21 से
झारखंड की सरकार को अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए एक स्कीम है एमएसडीपी, पीएमजेवी के जो केंद्र की सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, झारखंड की सरकार को 155 करोड़ रुपए दिए गए। कितने? 155 करोड़ रुपए दिए गए। ये हेमंत सोरेन ने उसमें से सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। 155 करोड़ में स्कूल की बिल्डिंग बननी चाहिए थी, रोड बनना चाहिए था जहां पर अल्पसंख्यक समाज रहता है मुसलमान, जहां पर ईसाई रहते हैं, मगर इन्होंने उसमें से 5 करोड़ रुपए खर्चा किए। बोरवेल डालना चाहिए था, कॉलेज की बिल्डिंग बनना चाहिए था। अब बताओ इसमें ओवैसी कहां से आ गया? 155 करोड़ में सिर्फ 5 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं और यहां पर आकर ये हेमंत सोरेन के मंत्री कहते हैं कि मौलाना मुबीन रजवी भेड़िया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने मौलाना मुबीन रजवी को सुदीप कुमार सोनी ने भेड़िया कहा, सुदीप कुमार सोनी साहब, हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, हमारा नाम मुबीन रजवी है, हमारे सर पर टोपी है, हमारा दीन इस्लाम है, तो हम भेड़िए हो गए। तो फिर तुम्हारी पार्टी में जितने मुसलमान हैं वो क्या है बताओ? अगर जिसका नाम मुबीन रजवी भेड़िया है तो सुदीप कुमार, जो तुम्हारी पार्टी में जो लोग तुम्हारी चमचागिरी करते हैं वो क्या है बताओ? और याद रखो, भेड़िया शेर को भी खा लेता है, समझे ना? अगर तुम भेड़िया बोल रहे बोलो, जितना बोलते बोलो, मगर तुम्हारे जहन में जो शहर भरा हुआ है वो तुम्हारी जबान पर आ ही गया कि तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो, तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो। अगर तुम इंसान हो तो चलो संसाद अंसारी के घर को जाकर दिखाओ, तुम में हिम्मत है तो चलो आओ, मगर तुम नहीं जाओगे। जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, वो भेड़िया हो जाता है। ठीक है सुदीप कुमार, जब तुम्हारा चुनाव आएगा तो भेड़िए तुमको बताएंगे कैसा शिकार होता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आपने देख लिया कि गिरिड में 41 लाख की आबादी है, भेड़िया हमको कह दिए, हमको बी टीम कह दिए। 41 लाख की आबादी में सिर्फ 25 स्कूल हैं और उसमें एक ही, अने 25 स्कूल हैं जिसमें से एक या तीन चार हैं बारहवीं जमात तक। अब ये बच्चे कहां पर जाएंगे पढ़ने के लिए? बताइए हेमंत सोरेन साहब, ये बच्चे कहां पर जाएंगे? तेलंगाना में, जिस प्रदेश से मैं आता हूं, जहां पर हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमारा कोई मंत्री नहीं, हमने क्या काम किया? हमने वहां पर 1 लाख मुस्लिम बच्चे और बच्चियों को 204 गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल को खुलवाया और छठी जमात से बारहवीं जमात तक हमारी बेटियां और हमारे बेटे फ्री में पढ़ते हैं। हम मंत्री नहीं बने ना कभी बनेंगे। हमसे कहा भी गया था कि ओवैसी साहब मंत्री बनना है, तो हमने कहा कि ना मंत्री बनना है ना संतरी बनना है, आप बताओ हमारे लिए क्या काम कर सकते। हमने कहा हमारे बच्चियों को, हमारे बेटों को स्कूल खोलो। आपको जानकर खुशी होगी कि 1 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां तेलंगाना में छठी जमात से फ्री में पढ़ रही है और मेरे
पार्लियामेंट के इलाके में मैंने एक जूनियर कॉलेज को खुलवाया। 11th और 12th में उस जूनियर कॉलेज के पांच बच्चे नीट क्वालिफाई होकर गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट लाकर अब मेडिसिन डॉक्टर बन रहे हैं। ये काम मैंने किया, हमारे एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी के विधानसभा में काम हुआ। ये काम आप कर सकते हैं झारखंड में, कब कर सकते हैं आप? जब आप अपने विधायक को कामयाब करेंगे, जब आप सियासी ताकत हासिल करेंगे। मगर अगर आप सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि नहीं नहीं हमको वोट डालना है, हमको वोट डालना है, तो फिर वोट डालने का मतलब यही होगा कि तुम वोट तो डाल रहे हो मगर अपने लिए नहीं डाल रहे हो, अपने बच्चों की तालीम के लिए वोट नहीं डाल रहे हो, अपनी जान की हिफाजत के लिए वोट नहीं डाल रहे हो। क्योंकि जब तुम वोट डाल रहे हो तो शमशाद कैसे मरा बताओ मुझे, इतने लोग कैसे मर गए जब तुमने वोट डाला? अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बोलेंगे, यहां की सरकार बोलेगी, अरे ओवैसी तेलंगाना की सरकार में बहुत पैसा है, हम गरीब प्रदेश है। नहीं नहीं, गरीब तुम नहीं हो। 2019 और 20 में झारखंड सरकार को मिनरल्स में 5,165 करोड़ रुपये मिला, 5,165 करोड़ रुपये मिला। कहां गया ये, किसकी जेब में गया पैसा, ये किसकी जेब में गया बताओ? गरीब के जेब में तो नहीं गया, गरीब के बच्चे तो शिक्षा से नहीं कर रहे हैं। 5,165 करोड़ रुपये इनको मिले और फिर हम पर इल्जाम लगाते कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा। तो ये बताइए कि झारखंड के एक मिनिस्टर हैं, मिथिलेश ठाकुर उनका नाम, वो मालूम मुझे है, वो मिथिलेश ठाकुर है। मिथिलेश ठाकुर ने 6 दिसंबर के दिन मिठाई बांटी। अरे तू 11 रबी अव्वल के दिन भी मिठाई बांटता, आखा की आमद की खुशी में मनाता, मिठाई खिलाता। मगर मंत्री ने कहा कि नहीं, 6 दिसंबर को हम बांटेंगे, मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि उस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हेमंत सोरेन, ये आपका सेकुलरिज्म है और आप हम पर उंगली उठाते हैं। याद रखो, अगर तुम एक जबान से मेरे खिलाफ झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी 1,000 सच्चाइयों को जनता के सामने रखूंगा। अब आप देखिए इनका रिकॉर्ड, अब इतना तो हेमंत सोरेन के लिए काफी है, थोड़ा मोदी पे भी बोलते हैं, वरना कांग्रेस के लोगों में तो रात में नींद नहीं आएगी। हेमंत सोरेन को भी जरा बेचैनी होगी, करवटे लेंगे कि ये क्या क्या सच्चाई को बयान करके चला गया। फिर कोई कांग्रेसी बोलेगा या हेमंत सोरेन के पास का बोलेगा, मोदी को नहीं बोले? अरे मोदी को तो हम ही बोल रहे हैं, 9 साल से तुम तो गूंगे बनकर बैठे हो। तुमने क्या 3 मरतबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो मैं हेमंत सोरेन? क्या बीजेपी और तुमने आरएसएस का दामन नहीं थामा? और तुमने थामा और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ जब मुझे अभी बताया गया कि मुजाहिद आजादी हजरत मौलाना शेख भिखारी साहब का पड़पोता, शेख भिखारी साहब जिसने अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए झारखंड का अजीम सपूत, उनका पड़पोते को 24 अगस्त 2023 को मंदर ब्लॉक रांची में, जिसका नाम बिट्टू खान है, उसको मॉब लिंचिंग कर दी गई।
वो अब दवाखाने में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। शेख भिखारी साहब का पड़ पोता, वो बेचारे जो इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए और जालिमों ने उनके पड़ पोते को मार पीट पीट कर अस्पताल को पहुंचा दिया और अभी तक उस केस में कोई एफआईआर नहीं हुआ हमको बताया जा रहा। बताइए आप, इल्जाम हम पर लगता है मगर जब ये तमाम सच्चाई को हम बयान करते हैं तो आज आपसे अपील करने आए हैं कि झारखंड में आदिवासी मुसलमान दलित ये गुलदस्ता है इस प्रदेश का और पूरे देश हमारा भारत एक गुलदस्ता है और नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्तरद करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्या आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते मोदी आप? क्या छोटा नागपुर का कानून नहीं है झारखंड में जमीन का? इस जमीन का कानून है। क्या आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है झारखंड के? बताओ बीजेपी वालों, मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी को कि क्या तुम झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, तेलंगाना के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के आदिवासियों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करोगे? नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की खूबसूरती यही है कि यहां पर हजारों तहजीबें हैं, हजारों तहजीबें हैं। यहां पर हर एक का अपना अपना पर्सनल लॉ है। दिल्ली में बैठा हुआ कोई बाबू, दिल्ली में बैठा हुआ आरएसएस का प्रधानमंत्री हमारे जिंदगी के फैसले नहीं कर सकता। कोई हमको ये नहीं बताएगा कि हम कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। भारत के संविधान में मजहब की आजादी फंडामेंटल राइट है और मैं अपने मजहब के बताए हुए तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारूंगा। नरेंद्र मोदी मुझे आकर नहीं बता सकते कि मैं अपने मजहब पर कैसे चलूं। इसीलिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं। अब आप बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी सुना आपने इन लोगों को जो हमको गाली देते हैं? इनकी जबान नहीं खुलती। पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में क्या बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव आया था। हमने वहां पर 6-7 मिनट में पूरा सपना बयान कर दिया, हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया। बताओ, आपकी तो जबानी नहीं खुलती, आप तो सिर्फ एक ही बात करते, मैं दुकान खोलना चाहता हूं मोहम्मद की। दूसरा बोलता है मैं चौकीदार हूं। ये ऐसा चौकीदार है जो 3-2 हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, मगर चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा है? देवसान गंचाक में चौकीदार के नाक के नीचे चीन अपनी हमारी जमीन पर फौज को उतार दिया। ये दुकानदार है, ये सिर्फ बोलता मैं मोहब्बत की बात करता हूं, तो शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में, मेरी तो सत्ता, मैं सत्ता में तो नहीं हूं। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा, ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है। इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि तीसरे विकल्प की जरूरत है जो इंशाल्लाह पैदा होगा, आप देखना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, क्या क्या बचते रहती हैं। मगर आज हमने देखा कि एक मासूम 7 साल का बच्चा जब स्कूल को जाता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वो टीचर अपने क्लास में उन बच्चों से कहती है, ये मोहम्मदन का बच्चा है, इसने बराबर नहीं पढ़ा, इसको मारो। आप बताइए कि एक बच्चा आकर उसको बच्चे को मारता है, उस 7 साल के बच्चे को, तो टीचर कहती है, मोदी जी जिस तरह हेमंत सोरेन को भूलने की आदत है, उससे ज्यादा मोदी जी को भूलने की आदत है। तो टीचर कहती है, मोदी जी तुमने इसको अच्छा नहीं मारा, तुम से मारो, ये मोहम्मदन है। बताइए आप, और वो बच्चे को मार पीटा जाता है, उसका वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में चला गया। उस बच्चे के बाप से मैंने बात की, हमारे वहां के मजलिस के सदर को भिजाया, जिस तरह हमारा सदर झारखंड का कभी कुछ हो जाता है तो साकर दौड़ते हुए चीखे मारता है। अरे जिंदा, अभी अभी ठहरो, सुनो, तुम साकिर साहब लेके आए क्या, तुमको सुनो हमारी बात। वहां पर हमारे सदर को भिजाया, उस 7 साल के बच्चे के वालिद से, पिता से हमने बात की, उसके बाप ने कहा, हमने पूछा पुलिस में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया तुमने, तो उन्होंने कहा कि क्या करना ओएसी भाई, हमको यह बताया गया कि गांव का माहौल खराब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कोई कंप्लेन नहीं की, हमने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। यही कमजोरी हमारी, अगर कोई बाप अपने बेटे की इज्जत के लिए नहीं लड़ेगा तो क्या दुनिया लड़ेगी, कौन लड़ेगा। अरे बाप ही तो लड़ेगा ना अपने बेटे की इज्जत के लिए। मगर उस बाप को भी मालूम कि बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखो, आप अगर आप इसी तरह डरते रहेंगे कि माहौल खराब हो जाएगा, अरे माहौल जुल्म से खराब हो रहा है, तुम्हारी खामोशी से माहौल खराब नहीं हो रहा है। अगर वो बाप अपने बेटे की कंप्लेन नहीं कर सक रहा है, क्योंकि यही सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, यही जो सेकुलरिज्म को ले चुके हैं देश में, उसने जाकर उस बच्चे के बाप से कह दिया कि तुम कंप्लेन मत करो, गांव का माहौल खराब हो जाएगा। अरे सालिमो, अगर तुम्हारे बेटे को मारते तो तुम खामोश बैठते, क्योंकि मार खाने वाला 7 साल का बच्चा मेरा बेटा था, मेरी औलाद थी, तो तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे आकर कहते हो कि तुम माहौल को खराब होने मत दो। अगर किसी रांची में या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को फाड़ दिया जाएगा या मोदी के पोस्टर को फाड़ दिया जाएगा तो क्या करोगे, पुलिस दौड़ के लिए जाएगी उसके घर पर, उसके घर तक बुलडोजर लेकर जाएगी। मगर भारत में, हमारे वतन अजीज में, एक बाप से कहा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे की कोई इज्जत नहीं है, अगर उसको स्कूल में थप्पड़ मारते तो थप्पड़ खा लो, मगर माहौल खराब होने मत दो। मैं आपसे कह रहा हूं, माहौल खराब होता है तो भाड़ में जाए, मैं अपनी औलाद के लिए खामोश नहीं बैठूंगा, मैं अपने बच्चे की इज्जत के लिए खामोश नहीं बैठूंगा। अगर गांव का माहौल मुझे बेइज्जती करने से खराब होता है तो फिर और खराब होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? भारत के संविधान में इज्जत फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। इस मुकाम पर हम आ गए
क्यों आ गए? क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, हम कभी वोट नहीं दे रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप अगर आज आप अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, लोग बोलेंगे आपसे अगर मुबीन रजवी कामयाब हो गया तो क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर एक मुबीन रजवी तुम्हारा विधायक बनकर झारखंड की विधानसभा में जाएगा तो कम से कम मुबीन रजवी की जबान से निकलेगा शमशाद अंसारी जिंदाबाद, शमशाद अंसारी जिंदाबाद। कभी तो कोई लड़ेगा, मगर आज ये कहेंगे अरे एक जीतेगा तो क्या होगा। आप उनसे कहना कि भारत की पार्लियामेंट में दो एमपी हैं मजलिस के, और जब दो में से एक खड़े होकर 6-7 मिनट के लिए भारत की लोकसभा में बोलते हैं तो मोदी से लेकर अमित शाह सब परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या बोलने वाला है। अगर हम बोलने की सलाहियत रखते हैं तो आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपके वोट की वजह से, आपकी तारीफ की वजह से। यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी ताकत है, और अल्लाह का करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर आज आप खामोश बैठते रहेंगे तो फिर याद रखिए कोई आसमान से नहीं आने वाला है। और आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि अब तो ट्रेन में वो यहीं पर था शायद, वो खबीज शैतान जिसने गोली मारी वो झारखंड के रेलवे स्टेशन में था शायद। बहरहाल कहीं भी था वो, नाम पूछकर रेलवे में गोली मारता है। एक हैदराबाद का लड़का है, नौजवान बीवी है, 3 बच्चे हैं, उसको गोली मार दी, चेहरे पे दाढ़ी है, वो तड़प रहा है उसके पैरों के पास, और ये तकरीर कर रहा है कि अगर भारत में रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं उन गोली मारने वालों से कहूंगा कि सारी दुनिया की गोलियां खत्म हो जाएंगी, हम मरने तैयार हैं, मगर किसी बाप से नहीं डरेंगे। हम अपने मतलब पर, अपने मकसद के तहत, अपनी मोहब्बत की बिना पर वोट देंगे। अरे तुम गोली मार कर हमको शहीद करके तुम कह रहे हो, याद रखो तुम जालिम हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। तुम अगर समझ रहे हो कि इख्तदार में मोदी है तुमको कुछ नहीं होगा, अरे इख्तदार तो अल्लाह का है, इख्तदार तो अल्लाह का ही रहेगा, सुबह कयामत तक इंसानों का इख्तदार नहीं रहता। बागर इख्तदार इंसानों का होता तो बादशाहों के महल वीरान नहीं होते। अगर इख्तदार इंसानों का होता तो सल्तनतें बर्बाद नहीं होती हैं। हाँ, हमारा सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताजदार मदीना है, इख्तदार उसका रहने वाला है अल्लाह का। आज जो लोग नाम लेकर हमको गोली मार रहे हैं या हमारी जाने ले रहे हैं, सुन लो, तुम्हारे पास भी इख्तदार नहीं रहेगा, तुम्हारे पास से भी इख्तदार जाएगा, अल्लाह इंसाफ करेगा। मैं जानता हूं कि किसी एक भारत के किसी एक मुकाम पर किसी एक मां के बेटे को किसी ने जान से मार दिया, तो जब मीडिया के लोगों ने जाकर उस पीड़ित मां से पूछा कि तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी गई है, मां जी तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उस मां ने आंख में आंसू लाकर कहा कि मैंने तो सबर कर लिया मगर मेरा अल्लाह सबर नहीं करेगा। तुम आज गरीबों पर, कमजोरों पर जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला कुदरत इंसाफ करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको हम सिर्फ यही बताने आए हैं कि यहां पर आपने
20 साल से 19 साल से आपने एक ही उम्मीदवार को वोट दिया, उन्होंने कोई कारखाना नहीं कायम किया। मुबीन रजवी साहब और हमारे सदर साहब बता रहे थे कि यहां से कई नौजवान मर्द हजरात अपने अपने घर छोड़कर कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, तो कोई हैदराबाद चला गया। अगर कारखाना बन जाता तो कुछ काम लगता यहां पर, नौकरी मिलती। मगर हेमंत सोरेन ने ना कारखाना लगाया ना नौकरी लगाई। अब कह रहे हैं कि 60-40, हेमंत सोरेन 60-40 कह रहे हैं। तो आपने अच्छा नारा लगाया था, क्या कहा? 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। तो हेमंत सोरेन को 40 दीजिए, 60 हमको देकर इनको कामयाब करिए, तभी इनका दिमाग हल्का होगा। अरे ये आदिवासी प्रदेश है, आप ये कह रहे हैं कि 60-40? हेमंत सोरेन, कौन आपको कह रहा है ये सब बातें? क्या आप अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हैं? अरे ये गरीब प्रदेश में आप यहां के लोगों को नौकरी देने के बजाय आप कह कुछ और ही कह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं देखा, क्या देखा मैंने, कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अच्छा, संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत बोलने वाले 24,280 है लोग हैं। कितने लोग हैं संस्कृत बोलने वाले? हेमंत सोरेन 24,000 लोगों के लिए यूनिवर्सिटी और पूरे जिले के 31,00,000 लोगों के लिए खाली 25 स्कूल, और आप इसलिए वोट देंगे? आप इसलिए वोट देंगे? अब नहीं मालूम तुम पांच क्या 4 तारीख 5 तारीख को जाके क्या करोगे, नहीं मालूम। नहीं नहीं अभी सुनो सुनो, अभी हमारे यहां से जाने के बाद हजरत इबलीस के पूरे साथी आप तक बात कर आएंगे। ये बड़ा जज्बाती बयान देकर गया, तुम इसकी बातों में नहीं आना, हम सब कर देंगे। याद रखो, आप आज के बाद जेएमएम और कांग्रेस के लोग आपके घर के अतराफ फिरेंगे, ए बाबा भीख दे देना, एक भीख और दे देना, ये तो हम काम कर दिए ना, ये तो हम रोड पे ला लिए उनको, तुम्हारे गांव में ला लिए। मगर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हम हेमंत सोरेन साहब से पूछना चाहते हैं कि झारखंड में 170 जबानें बोली जाती हैं। कौन सी जबानें हैं? कोरथा, संथाली, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मगधी, हो, सदन, ओरायन, मुंदारी, ये सब जबानें। अरे इनके यूनिवर्सिटी खोल देते आप, इनकी यूनिवर्सिटी खोल देते हेमंत सोरेन, इतने पैसे आपके ने कहां से आ गए? खैर बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रदेश से हम आते हैं, हमने वहां पर हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमने हमारे मुख्यमंत्री से बात किया, हम तमाम मुस्लिम डेलीगेशन गए, मुख्यमंत्री से कहा कि तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, हम ताई नहीं करेंगे। फिर हमने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे सेक्रेटेरिएट में, हिंदी में सेक्रेटेरिएट क्या बोलेंगे, मंत्रालय, सचिवालय, वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज तेलंगाना में हुकूमत ने ही मस्जिद को बनाया,
नई मस्जिद को बनाया, मुख्यमंत्री आए तो हमने मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी आप भी कुछ बोलिए। तो हमारे मुख्यमंत्री ने उस मस्जिद को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो भी सेकुलर है, वो जानते हैं कि यहां पर तेलंगाना के लोगों में बीजेपी और कांग्रेस की चापलूसी और इनकी कम्युनिज्म पसंद नहीं है। आपको मालूम तेलंगाना में वहां की सरकार हर विधानसभा में 119 विधानसभा में एक एक विधानसभा में मेरे ख्याल से 480 लोगों के दरमियान में एक एक आदमी को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, एक एक आदमी को 1 लाख रुपए। गवर्नमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करो, हर विधानसभा में 400 से 800 के दरमियान में एक एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अरे वाह वाह, तुम खाली मुशायरा नहीं हो रहा है। 5 तारीख को जाके वाह बोल के पतंग के बटन दबाओ और फिर आपको बताना चाह रहे हैं हमने सरकार से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री से, उनका नाम के चंद्रशेखर राव है। हमने उनसे कहा कि हमको खबरस्तान की जमीन की जरूरत है, तो हमारे मुख्यमंत्री ने 125 एकड़ जमीन सिर्फ कब्रस्तान को दी है। और हमने क्या किया? हमने कहा सुन्नियों की इतनी रहेगी, शियाओं की इतनी रहेगी। यहां पर हमारे बोहरी समाज के भी लोग हैं, मेहदवी समाज के भी लोग हैं। हमने कहा कि सबको इसमें जमीन मिल जाएगी। मेरे भाई, जिंदा रहने के लिए मजलिस तेलंगाना में काम कर रही है और जिंदा रहने के लिए सियासी ताकत जरूरी है, जिंदा रहने के लिए बच्चों को स्कूल जरूरी है, जिंदा रहने के लिए मस्जिद की और जान की हिफाजत की जरूरत है। ये कब होगा? जब तुम्हारे पास सियासी ताकत होगी। अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा। वोट डालने से नहीं, वोट लेने से ताकत मिलती है। और डालना तो बच्चों का काम है, वोट लेना तो आपकी ताकत का काम है। तो इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 5 तारीख के दिन पतंग छाप के निशान पर पूरे एक होकर, मुत्तहिद होकर मुबीन रजवी साहब को अपना वोट दीजिए और इंशाअल्लाह ताला 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा कि के चंद्रशेखर राव साहब, आज ये देश तड़प रहा है, लोग तंग आ चुके हैं चौकीदार और दुकानदार से। हमने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी छुटकारा मिले दुकानदार और चौकीदार से। ये दुकानदार और चौकीदार ये दोनों भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, इनमें कोई फर्क नहीं है, हमारी बात को यकीन करिए। इंशाल्लाह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं झारखंड को आया हूं और आता रहूंगा। आपने 2019 में हमको वोट दिया, हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन हमको थोड़ा रंज हुआ, मगर हमको हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने जो वादा किया हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। मगर मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, वोट लेना हमारा काम है, वोट देना हमारा काम नहीं है। मुबीन रजवी को कामयाब करो, और जिसने मुबीन रजवी को भेड़िया कहा उसको सबक सिखाइए। आप अपने वोट से मजलिस को कामयाब करिए, अपने दुआओं से मजलिस को कामयाब करिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि इतनी चिलचिलाती धूप में आप यहां पर आए। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बोले ना इला ये बढ़ी में पुलिस कस्टडी में जिस अशफाक खान को शहीद कर दिया गया, उनकी वालदा अशफाक खान की वालदा और अशफाक खान इकलौता बेटा था सर, इकलौता बेटा था, इकलौते बेटे की मां, वो बच्चा शहीद हो गया और उसको उल्टा खुदकुशी का इल्जाम लगाया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।